हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, अदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लिखे हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं आगा मजीद, नसिर चिन्नियोती एंड रितिका ठाकुर स्टेज ड्रामा चुस्की क्लिप। तो अभी तक इनकी हमने जो लास्ट स्टेज ड्रामा देखा था आगा मजीद जी का और ये इफ्तिखार ठाकुर का, इतना इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर उन्होंने वो पूरा बादशाह वाला सीन क्रिएट किया था, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, हम दोनों इतना हंसे हैं उसके अंदर, इतना ज्यादा। अगर आपने हमारा रिएक्शन उस पर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद पहले उस पर रिएक्शन देखना, वो सच में बहुत फनी क्लिप थी। तो आज की वीडियो के लिए भी बहुत एक्साइटेड है, देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, हमारी लास्ट वीडियो जो कि आगा मजीद जी की और इफ्तिखार ठाकुर जी की थी, वो हमने इतनी ज्यादा एंजॉय की कि हमें लगा क्यों ना नेक्स्ट वीडियो भी इन्हीं के साथ की जाए, और बहुत इंटरेस्टिंग वे के साथ, और इतने हिलेरियस पंचेस थे कि मतलब हंस हंस के हमारा मुंह दर्द होने लग गया था, और हमने इतनी ज्यादा एंजॉय की थी। और वीडियो रिएक्शन वीडियो बनाने के बाद मैंने दोबारा वो वीडियो अपनी फैमिली के साथ देखी और सबने उसे बहुत एंजॉय किया। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या फनी होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मुझे क्यों सदा है? आप दोनों तो भाइयों की संतरे से शिकायतें आ रही है। क्या शिकायत है? मत वाली शिकायत लेकर आई है। क्यों है ले ले? की शिकायत की थी? है अगर रोमी ना तेरे मुंह में घसों तो ये बड़ी चलाक औरत है, ये रजाई है जो मर जावे लगती नहीं। तुम खामोश रहो, वजीरे चुम्मी। ओहो, आप ही नारे क्या वजीरे चुम्मी? पापा, क्यों इसके सब क्या करते हो सल्तनत में? पापा, पापा बादशाह, एक चुम्मा दे। बादे, तुमको कसम खान जोगा नहीं गया कि सारी जिंदगी में हराम ने मुंह नहीं लाया। अत्यारा, अत्यारा, ये हमारा अब्बा है, कोई खोता नहीं। ये बाजू क्या हुआ शहजादे? जी जी, तुम दोनों भाइयों की सल्तनत से शिकायतें आ रही है। हुआ क्या? ये तो तुम्हारी शिकायत लेकर आई है कि तुम इसकी बेटी को छेड़ते हो, निम को लेकर इसके घर जाते हो, शराब पीते हो, उसके बाद इसका रक्स देखते हो। ठीक कह दिए, ठीक कह दिए। उठने की मसला है तेरा? है कुछ नहीं तो प्यो मेरे शिकायत क्यों लाई? तुसी क्यों तंग कर दियो मेनू? असी बादशाह दे पुत्र ते एक काम भी ना करिए है। तेनू काम ना काम करते तंग कर दिए ए और की करदे तेरे घर आके? मेरे घर आके शराब पींदे हो, दिल को खांदे हो। कले खांदे हो? कले पींदे हो? अन्नी दी तू नहीं पींदी है? उधर तो कहंदी शहजादे तीसरा डैट बनाई जरा। उसने शिकायत नहीं डाला दी जीरे पूरी निम्बो राई को फोका मार दिए, आवाज आंदी है बटाक 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 है। वो तो नहीं पता लगता तेरे साथे तुम इससे बात करो क्यों? आपकी अम्मी है हम जीरे कर ले तुम्हीं ले वाले कर ले हाँ। तुझे मेनू भी छेड़ दो, मेरे तीर भी छेड़ दो, तो पस्तौर कर लेंगे हो। हाँ, पस्तौर कर लेंगे हो। उसने बंदे ने चार पांच लाए और ना तो बंदा पस्तौर काट ही लेंगे। ऐसे बंदे गलत करता ही है, हल्का है तो बंदा फैर करे, पावे आवाज ना निकले, हल्की जब भरोसते हो ना राजा मैं तेरी पिस्तौल से भरोस भरोसी हूँ दी हूँ। ओए और जरा मजा नौकरी साड़ा नौकरी ना वजीर है और वजीर तो नौकरी है सबार कर लिया ना लिया था तुझे कर लिया ना लिया ना तू दूसरी बादशाह से हाँ जा मेरी
ਤੂੰ ਕੀ ਧੋਖ ਲਿਆ ਅੱਗੂ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਲਿਆ ਅਮੀਰਿਆ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ ਆਪ ਇਸਕੋ ਮੂੰਹ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾਤੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਠਾਪੇ ਕਾ शराब पीते हो मुंह साफ करते हो शराब लगी होती है इसको की सौनी ऐवे रोरी मजा ते आ रहा दिन में अब हजूर ते झूठ बोल दी असि बिल्कुल ते कर नहीं जांदे जवान जी तुम चली जाओ तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा हां तेरा भी टाइम नहीं सोई ना इंसाफ ने आना ही जाओ चली जाओ ठीक है बादशाह सलामत मुझे चुमा में डालो क्या दस चुमा में डाल दी हमारा दिल करता है क्योंकि मैटर के बाद 5 साल तक मैंने मौत के खूब इंजॉय किया है दोनों भाइयों की सल्तनत चूना गांठ किया के शहनशाह वो अपनी बीवी के साथ और अपनी बच्ची को लेकर ऊंटों पे सवार होकर हीरे जवाहरात लेकर आपके शाही मेहमान खाने में तशरीफ रखते हैं उन्होंने कहा कि इस बादशाह की रियासत में हमने दोनों शहजादों में से किसी एक शहजादे के साथ अपनी शहजादी की शादी करनी है जो शहजादा शहजादी को पसंद करेगा उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी और 100 ऊंट को बतौर आपको तोहफा देंगे नहीं तो केड़ी सल्तनत की मसला की शहजादे हम आपको बता देते हैं ये हमारी 7वीं सल्तनत है सल्तनत चूना गांठिया ये वहाँ के शहनशाह हैं ये सल्तनत इनके अबाओ अजदाद के नाम पर है इनके दादा हजूर वहाँ के बहुत बड़े गांठिया थे इतने क्यों ब्याह करने हैं उनके परदादा ने कहा था हम अपनी बच्ची की शादी उस खानदान में करेंगे जो हमसे बड़ा गांठिया होगा लेकिन अब हजूर मेरा फैसला सुन लो मैं ब्याह करना ते अनारकली ना करना जी अनारकली से आपकी शादी नहीं होगी अब्बा जी मैं प्यार करता मैं ब्याह में अनारकली ना करना जी नथिंग नेवर मैं कह रहा हूं आपकी शादी अनारकली से नहीं होगी मैं शादी अनारकली ना करूंगी हम जहां जाएंगे हमारी आपकी शादी वहां होगी अब्बा हजूर मैं ए हमारी मर्जी मैं कह रहा हूं आप हमारे बेटे हम आपके बेटे नहीं है मैं मंडे चलूं मैं ब्याह इस सत्र में तमाम फैसले हमारे होते हैं मैं ब्याह अनारकली ना करूंगी हम जहां जाएंगे वहां तुम्हारी शादी होगी और तू मेनू बहन दीती है ये तेरी ऐसी जगह पे फोड़ा निकले किसी ने बखा ले सके बड़ी बादशाह
भाषा हो देखा ही होगा कि हम दोनों कितना ज्यादा हंस रहे थे, कितना इसको एंजॉय कर रहे थे। ये हमारे को बहुत पसंद आई है ये वीडियो तो वाकई में बहुत मजेदार थी। मैं इतना ज्यादा हंसी और इतना ज्यादा हमने इस वीडियो को एंजॉय किया, और स्पेशली पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि इफ्तिकार ठाकुर जी की जो है यहाँ पर किसी तरीके की कोई इंसल्ट नहीं की गई। नहीं तो अक्सर उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के ही जोक्स बनते हैं, तो पहली बार मैंने बादशाह जी की इतनी बेइज्जती होते हुए देखा होगा। मतलब उन्होंने तो बिल्कुल इरिटेट करना बंद ही नहीं किया। कभी वो बादशाह जी के कपड़े खींच लेते थे, कभी वो चटाक चटाक चांटे मारते थे, लेकिन ये सारी चीजों ने हमें बहुत हंसाया और मुझे तो ये वीडियो बहुत पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी वीडियो। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।